कितने लोगों ने गोकू सुपर सैयन गॉड ब्लू और जेनो गोकू सुपर सैयन 4 की फाइट देखी थी सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के एपिसोड 1 में, क्योंकि इतिहास फिर से दोहराने वाला है। अलग अलग टीमें होने की वजह से गोकू और वेजिटा की टीम को जेनो गोकू और जेनो वेजिटा की टीम से लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं तो इस चीज को देखने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि फ्यूजन, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, सुपर सैयन एवोल्यूशन ब्लू, लिमिट ब्रेकर और बहुत चीजें, क्योंकि ये फाइट पूरे टूर्नामेंट ऑफ स्पेस और टाइम की सबसे तगड़ी फाइट होगी, क्योंकि इस फाइट के होने का असली कारण पुरानी सुप्रीम काय ऑफ टाइम यानी कि आयोस है, जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा की टीम जेनो गोकू और जेनो वेजिटा की टीम से लड़ेगी, वो भी पूरी जान लगाकर। तो कौन होगा कितना ताकतवर और क्यों? हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त कोजीटा, और अगर आप भी देखना चाहते हैं इस कमाल की गोकू और वेजिटा की टीम वर्सेस जेनो गोकू और जेनो वेजिटा की टीम की फुल पावर बैटल के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल पर भी, और उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मिलेगा मोटिवेशन और आपको मिलती रहेंगी ड्रैगन बॉल से जुड़ी ऐसी ही कमाल की वीडियोस सबसे पहले। हम सब कंफ्यूज हैं कि सुपर सैयन गॉड ब्लू और सुपर सैयन 4 में से ज्यादा ताकतवर कौन है, लेकिन अब सुपर सैयन 4 ने सैयन की शक्ति से ही लिमिट ब्रेकर फॉर्म को अनलॉक किया है, जिसकी हीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी है, और पावर लेवल की बात ना ही करूं तो ही अच्छा है, क्योंकि हमने खुद देखा था एपिसोड में कि एक सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर कितना ज्यादा ताकतवर है। और फिर जेनो वेजिटा ने भी लिमिट ब्रेकर को अनलॉक किया था, और यहाँ तक कि हमने फ्यूज्ड जेनो गोजिटा को भी लिमिट ब्रेकर इस्तेमाल करते हुए देखा है। और हमारे नॉर्मल गोकू और वेजिटा जब फ्यूजन करते हैं, स्पेशली सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में, तो गोजिटा ने सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन तक को पार कर दिया है, क्योंकि हीरोज में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ऑरा के साथ सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन की ऑरा गोजिटा इस्तेमाल कर रहा है। एक हो गई गोकू की और एक हो गई वेजिटा की, और हो सकता है आगे जाके हमें वेजिटा की अल्ट्रा ईगो से रिलेटेड भी कुछ मिले। और जब एक तरफ गोजिटा अल्ट्रा एवोल्यूशन गॉड ब्लू और दूसरी तरफ जेनो लिमिट ब्रेकर अनलीश्ड होगा, तो उस फाइट से पूरे इंटरनेट पर तबाही मच जाएगी, और इस फाइट का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका रीजन मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि वरना कुछ ज्यादा ही स्टोरी लीक हो जाएगी। लेकिन बहुत से मेरे सैयन भाई सोच रहे होंगे कि अगर 1 vs 1 हो, जैसे गोकू वर्सेस जेनो गोकू या वेजिटा वर्सेस जेनो गोकू, और इन दोनों का उल्टा यानी कि जेनो वेजिटा वर्सेस गोकू या वेजिटा वर्सेस जेनो वेजिटा, तो क्या होगा? और देखो, अब ड्रैगन बॉल फैंस को सुपर ड्रैगन बॉल हीरो समझ आने लगा है और पसंद भी, बस इसके एपिसोड लेट आते हैं, जिसकी वजह से फैंस थोड़े खुश नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, गेमिंग एनिमे है, हमारा नॉर्मल एनिमे नहीं है जो हर संडे टू संडे हमें मिलता रहे। और हाँ, इसकी रिलीज डेट शायद कुछ दिन में आ सकती है, जिसे मैं अपने इंस्टा पर शेयर करूंगा, और बाकी वहां मैं रेगुलर मीम शेयर करता रहता हूं। तो जो लोग चाहते हैं कि मेरे सुपर सैयन लेवल बढ़े इंस्टा का, तो मेरे को इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, ऊपर कार्ड में लिंक या डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आशा मेरे साथ है और उसको आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो जल्दी से उस लाइक बटन को सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन बना दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहा मेहा।